क्या पिछले साल नागर जेल ब्रेक करने की साजिश हरियाणा में रची गई थी? क्या यमुनानगर से सटे जंगल नाभा जेल ब्रेक विक्की गौंडर के लिए चयन स्थली बनी हुई थी? यह साल आज नाभा जेल ब्रेक के एक साल बाद उस समय खड़े हो गए जब हरियाणा पंजाब पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर चटचली इलाके में ज्वाइंट एक्शन किया। विक्की गौंडर तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन उसके द्वारा लुधियाना से गन प्वाइंट पर छीनी गई एक फॉर्च्यूनर कार, एक 9mm पिस्टल सहित उसके तीन गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी यमुनानगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि करते हुए कहा कि दो साल के नामी मोस्ट वांटेड विक्की गौंडर की तलाश में हरियाणा, यूपी एवं पंजाब पुलिस ने बॉर्डर सील कर सघन तलाशी अभियान छेड़ रखा है। बहुचर्चित नाभा जेल ब्रेक कांड में एक साल से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद जेल ब्रेकर विक्की गौंडर पुलिस को चकमा देकर आए दिन नई वारदातों को अंजाम दे रहा है। यमुनानगर पुलिस जिस फॉर्च्यूनर कार की तलाश ले रही है, यह कार भी विक्की गौंडर द्वारा लुधियाना से गन प्वाइंट पर छीनी गई है। दरअसल बीती रात यमुनानगर एवं पंजाब पुलिस ने एक सीक्रेट ज्वाइंट एक्शन के दौरान चटचली इलाके में विक्की गौंडर और उसके गैंग के साथ मुठभेड़ की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विक्की गौंडर गैंग के तार चटचली इलाके में स्थित एक फार्म हाउस से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद हरियाणा एवं पंजाब पुलिस ने संदिग्ध फार्म हाउस को घेर लिया और मुठभेड़ के बाद विक्की गौंडर के तीन कुख्यात गुर्गों को 9mm पिस्टल के साथ हिरासत में ले लिया। विक्की गौंडर उक्त फार्म हाउस में था या नहीं, इस बात की पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है, लेकिन पकड़े गए बदमाश विक्की गौंडर के फार्म हाउस में आने की बात कबूल रहे हैं। वहीं पुलिस को मौके से बरामद हुई विक्की गौंडर द्वारा लुधियाना से लूटी गई फॉर्च्यूनर कार भी विक्की गौंडर की मूवमेंट की तरफ इशारा कर रही है। देखिए, यमुनानगर पुलिस के पास हमारे पास 9 तारीख को कोई इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें हमें पता लगा, इन्फॉर्मर ने बताया कि एक जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है विक्की गौंडर नाम का, इसकी कुछ मूवमेंट्स हैं हमारे एरिया में, यमुनानगर में एरिया में, हैदराबाद एरिया में, कुछ आउटस्कर्ट्स में, यमुनानगर आउटस्कर्ट्स में कुछ मूवमेंट्स हैं। इसके साथी भी हो सकते हैं, खुद भी हो सकता है, जिसपे हमने फिर टीम्स गठित की और हमने दबिश दी उस एरिया में जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो उस हिसाब से हमने कार्रवाई की, तो कुछ हमें उसके साथी हाथ लगे हैं। एक जो उसका क्लोज एसोसिएट माना जाता है, भूरा नाम का आदमी है, वो हमने नैब किया है। प्लस हमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रिकवर हुई है वहाँ से, जो कि वो भी एक पंजाब में कहीं से छीनी गई थी, गन पॉइंट से स्नैच की गई थी। इस गैंग की यहाँ पे गतिविधियाँ रही हैं, या चाहे वो हाइबरनेट करने के लिए, चाहे यहाँ छुपने के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि ये गैंग यहाँ पे इनकी मूवमेंट है, सपोर्टर्स हैं, एसोसिएट्स हैं। तो उसके लिए हमें इस पर पूरी कार्रवाई की हुई है, हमने टीमें गठित हैं, हम लगातार उनके पीछे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं।